उनको आप ले रहे हो, ऐसा कुछ था मन में? नहीं मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं गुजराती, जैसे मैंने बताया कभी गुजराती फिल्म देखी भी नहीं थी, क्योंकि गुजराती हूँ नहीं। यहाँ पे कौन कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, मुझे वो भी नहीं पता था। अच्छा हाँ लेकिन ये है कि मेरी जब फर्स्ट मूवी की मैंने अपना जो मेहनत एक होती है वो मैंने 100% दी, और वो जब फिल्म चली और उसके बाद जो फिल्में और आई, देश जोया आई और फिल्में आई, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। उस टाइम मैं जानती भी नहीं थी सुनील दत्ता जी को, उन्होंने ये बोल दिया अभी ये सुनील दत्ता जी की जगह ले रही है। जगह नहीं ले सकती, बहुत अच्छी कलाकार है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत क्यूट है सुनील दत्ता जी, बट लोगों को जो एक इंडस्ट्री का गैप आ गया था ना सुनील दत्ता जी के बाद, शायद वो कवर मैंने किया कोई आगे। स्लीव हीरोइन मिली? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि बॉम्बे की थी मैं, तो थोड़ी ग्लैमरस भी, थोड़ी कॉस्ट्यूम भी अपने हिसाब से पहनने लग गई, वो थोड़ा टिपिकल गुजराती थोड़ा कम किया मैंने, कि थोड़ा चलो ना चेंज करते हैं चेंज करते हैं। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया, और ये जो जगह दी मैंने खुद नहीं बनाई, लोगों ने मेरे को वो जगह दिया, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी हीरोइन सुनील दत्ता जी की जगह पे मेरे को देखा उन लोगों ने, उसके लिए मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ। थोड़ी फिल्म की मैंने बातों करी है कि हितेन कुमार की जी हाँ ये तमारी बहु हिट जोड़ी, हितेन बिल्कुल, कुमार साथ ही, जी हितेन हाँ कुमार रोमा माणिक्का बने जी ने, होय हाँ तो पिक्चर चाले चाले ने चाले ज जी हाँ टंगशाल पड़े बॉक्स ऑफिस बिल्कुल पर, बिल्कुल। क्यों ट्यूनिंग रहूं आप बने नु? मेरी सच में बोलूँ, मेरी ट्यूनिंग सबके साथ बहुत अच्छी रही। इवन पहले तो फिल्म में नरेश उस समय नरेश कनोडिया, जी थे, वो यस तो मास्टर मेगा हैं, मिलेनियम मेगा सुपरस्टार, स्टार हैं, यस और उनके साथ जब काम किया, और फर्स्ट जब मूवी की ऊंची मेरी, तो मेरे को एक टीम बहुत अच्छी मिल गई, जैसे गोविंद भाई पटेल डायरेक्टर थे, सुभाष शाह कैमरामैन थे, पूनम भाई बेलदार और माधव जी मिले, चिनू मास्टर जी मिले। तो वो चीज़ें मैं गुजरात में जब मेरी शूटिंग स्टार्ट की, तो मैं वो समझ गई कि कैसे काम करना है। तो वो जो लेवल मैंने अपने माइंड में रखा, तो मेरे हर आर्टिस्ट के साथ, हीरोज़ हों या मेरे को स्टार्स हों, तो मेरी वो ट्यूनिंग बहुत अच्छी सेट हो जाती थी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया। जैसे मुझे गुजराती नहीं आती थी पहले, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का मैं बहुत सर खाती थी। अब डायरेक्टर को तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर को सुबह बोलती थी मैं जब मेकअप करूँ तो आप मेरे पास आओ, और मेरा क्या है, मैं ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा मेरे उतरता है, तो मैं उनको बोलती थी मैं रट्टा मेकअप मारने में कर, इजी रहता है सेंटेंस। नहीं रट्टा नहीं, रट्टा तो पढ़ के होता है, हाँ आपको कुछ बोल दे उसको एक पिक्चर विजुलाइज कर लो ओके ना, तो वो जल्दी अडॉप्ट हो जाती है चीज़। तो उनको मैं बोलती थी कि मैं जब मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो आप प्लीज़ आ जाया करो और मेरे सामने 3-4 बार ना बोलते रहो, तो अच्छा बेसिक जो मूड होता था सीन का मुझे वो समझ में आ जाता था। रट्टा मारो तो मैं रट्टे में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, रट्टा नहीं मार सकती मैं। और उसके बाद जहाँ मैं अटक जाती थी कि गुजराती का ये लफ्ज़ का मतलब क्या है मेरे को समझा, तो मुझे बताते थे इसका ये मतलब है, तो मैंने वो मेहनत बहुत की। जैसे कभी कभी हमारा डायरेक्टर बताते थे कि, उनको मैंने पहले ही बोल के रखा था कि अगर कभी लंबा सीन हो तो मुझे एक दिन पहले बोल देना, बोले ठीक है। तो जैसे ही कल लंबा सीन आता था एक पेज का, तो मुझे पैकअप होने से पहले बोल दिया जाता था भाई कल तो 1 या 2 पेज का सीन है। अब मेरी ड्यूटी, अब मेरा शर्त ये होती थी कि मेरे को कल का जो लंबा सीन है मेरे को रूम में पहले मिलना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं चिराग भाई, रात को हमारी 2 बजे शूटिंग ख़त्म हो या 3 बजे ख़त्म हो, मेकअप निकाल के बाथ लेके बैठ के भले 3:30 बज रहे हो, वो सीन को मैंने 4 बार पढ़ लेना कि क्यों, कि कल सेट पे जाके प्रॉब्लम नहीं आए, चलो रिटेक ना हो, किसी और रिटेक नहीं आर्टिस्ट हो। का भी और टाइम वेस्ट ना हाँ हो, बिल्कुल, सही बात है। आज प्रोड्यूसर्स का पैसा लग रहा होता है, एक मिनट पैसे के ऊपर वो चल रहा होता है हमारा मीटर। ठीक है मैं तो 10 रिटेक करूंगी तो वो करने देंगे भी, ठीक है मेन आर्टिस्ट चेक कर रहे हैं हम क्या, पर मुझे लगता था कि नहीं यार, एक होमवर्क जो है ना आप 100% करके जाए सेट पे, ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना प्रोड्यूसर्स का पैसा वेस्ट हो, ना आर्टिस्टों को वेट करना पड़े। तो वो मैंने बहुत अच्छे से क्या बात है। किया। नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदी फिल्मों में आपने जो मेहनत की वो और गुजराती फिल्मों में जो मेहनत की वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट तो मैं नहीं करूँगी, मेहनत तो हर जगह होती है, यहाँ हो हिंदी में हो या यहाँ हो, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी। आज मैं बॉम्बे अगर कर रही होती तो मुझे एक तो लोकल मेरा माहौल था, मेरा खुद की सिटी थी वो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, फिर मेरी अपनी लैंग्वेज होती, और फिर ये होता भी चलो सुबह शूटिंग की शाम को घर आ गए तो एक कंफर्टेबल भी रहता है। बट यहाँ आई तो हमारा लकी स्टूडियो सबको मालूम है, हलोल में तो वही हमारा घर था। पूरे साल में मैं एक गणपति पे जुट जाती थी अपने घर पे, और गणपति रखती थी मैं हमेशा, और 1.5 दिन के रख के और उनको विसर्जन करके लोखंडवाला सिस्टर के घर पे जाके खाना खा के रात को ट्रेन पकड़ के आती थी सुबह शूटिंग, और अच्छा एक दिवाली पूजा पे मैं जुट जाती थी, क्योंकि घर पे ताला नहीं लगाना है, दिवाली है तो।
बाकी लेकिन यहाँ मेरी जो मेहनत समझो या जो भी है ग्रूमिंग मेरी यहाँ ज्यादा हो पाई गुजराती में। तो कुछ ऐसे खट्टे मीठे प्रसंग बताइए शूटिंग वाले हमारे नितिन कुमार के साथ हो, नरेश कनोडिया के साथ हो, जीत उपेंद्र के साथ हो। लकीली मेरे हितेन जी के साथ नहीं कुछ हुआ, जीत के साथ नहीं हुआ, पर नरेश जी के साथ बहुत होता था। नरेश जी के साथ तुम मुझे से बताती हूँ, मेरे को याद है मन साहिबानी मेरी का हम सीन कर रहे थे और उसमें ये था कि वो अपना कपड़ा सिल रहे होते और मैं आके बोलती हूँ ओहो मतलब औरतों की तरह काम करे तो बोलते फिर तू सिल देना, तो इतने में वो करते करते उनके सुई लग जाती है तो फिर वो टच करते करते वो सीन था। जब उनका सीन आया तो उसमें मैं चुलबुली दिखाई हूँ और चिराग जी वैसे भी मैं ये कहती हूँ कि एक हर एक आर्टिस्ट का जब वो सीन कर रहा होता ना उसकी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है, आप उसको अगर बांधो तो नहीं हो पाता है और वही हुआ। तो मैं अपना मस्ती वो जो बोल रहे मेरा ये सीन चल रहा है मैं ऐसे ऐसे कर रही और नरेश जी को ये था कि मैं जो बोल रहा हूँ रूमा मेहता देखे उनका एक अपना मीटर चल रहा था मेरा अपना मीटर चल रहा था। मेरे को बोलते कि रूमा जी एक काम करो ना मैं जब ऐसे बोलूँ ना तो मुझे ऐसे देखना। मैं कहा नहीं नरेश जी ऐसे नहीं मैं ऐसे से कर रही हूँ मेरे को ऐसे करना था ना क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल थी सीन के मूड के हिसाब से। नहीं नहीं मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे बोलो। मैं कह नरेश जी ऐसे तो नहीं होगा आप बोलो देखो तो देखो मैं नहीं देखूँगी ऐसे। तो अरे ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने कहा कर सकती हूँ मैं। मेरे को बोलते अच्छा डायरेक्टर अगर बोले तो तब तो तुम सुनोगी। मैं डायरेक्टर बोलेगा मैं तो भी नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरी बॉडी को नहीं बांध सकते मेरी लैंग्वेज को। सही बात है। आप सीन पूरा बता सकते हैं आर्टिस्ट को आप इधर आके रुके ऐसे बोले लेकिन जो हाव भाव होते हैं ना वो नहीं कंट्रोल में आते किसी के। तो मेरे को बोलते हैं आप तो ऐसे बातें कर रही हैं कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट हूँ। आप खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं आप मैनेज करो ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ डायरेक्टर आए जीतू राठौड़ उस टाइम असिस्टेंट थे तो और हमारे जसो गंगानी जी सेट के बाहर थे उस टाइम कुछ। तो मेरे को बोले रूमा जी ऐसे करो। मैं कहा जीतू ऐसा है कि आप बोलोगे तो मैं नहीं बंधूंगी मैं हाँ अगर मेरा फ्लो में आ गया तो मैं दे भी दूंगी मैं वो भी नहीं कह रही हूँ कि मैं लुक नहीं देना चाहती लेकिन फ्लो में आया तो अगर स्पेशली बोलोगे तो मैं स्टिफ हो जाऊंगी। तो इतने में क्या हुआ हम नरेश जी को बुरा लगा कि इतनी मैं बोल रहा हूँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ जी वो तो अपना अच्छा। कर गुर के बंद करके सेट के बाहर जाके बैठ। हाँ जी उसके बाद मेरी हेयर ड्रेसर आई कि रूमा जी नरेश जी बाहर बैठे हैं तो थोड़ा मूड खराब लग रहा है। मैं मेरी कुर्सी भी बाहर डाल दो फिर। तो हम लोग सेट के बाहर बैठ गए। इतने में मैसेज मिला जसो गंगानी जी को कि ऐसे ऐसे दोनों रुट गए हाँ दोनों को ऐसे ऐसे आर्टिस्ट का हुआ है तो पता नहीं शूटिंग होगी कि नहीं होगी। तो इतने में आए जसू जी मैडम क्या हुआ? अरे मैं कह रुको ना थोड़ी देर जाए खाली उसके बाद काम थोड़ा बिगाड़ेंगे हम लोग। वो भी कलाकार मैं भी कलाकार वो भी वैल्यू करते मैं भी वैल्यू करते ये खाली थोड़ी देर का है अभी माइंड सेट होगा हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि वो जो ट्यूनिंग था हमने उसके बाद जो सीन किया वो फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन आया। क्या बात है। और मुझे जसो गंगानी जी बोले रूमा जी सबसे बेस्ट सीन है। तो मैं कहा हर सीन में हमें लड़ने दिया करो पहले उसके बाद बेस्ट आएगा तो बेस्ट सीन आ जाएगा और भी। तो इस तरह हमारा जो एक्सपीरियंस समझे या गुडविल समझे या नोकझोंक समझे या एक को आर्टिस्ट टू को आर्टिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग होती है तो बड़े खूबसूरत से मतलब ये एक्सपीरियंस रहे मेरे। हितेन कुमार के साथ ही आपकी जोड़ी हिट। हाँ वो बनी केमिस्ट्री अच्छी थी दोनों के बीच में कि मैंने क्या बोला लोग बना देते हैं। हाँ। लोग जिसको जिसके साथ नहीं, नहीं, आप बोलती थी कि मेरा स्क्रिप्ट से पहले कि मेरे इसमें हीरो कौन मेरा कौन नहीं है ऐसा पूछते नहीं, थे आप? ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था क्योंकि उस वक्त एक तो हीरोइन ओरिएंटेड बनती थी मुझे पता था पूरी फिल्म का फोकस मेरे ऊपर होने वाला है और उस वक्त हमारी इंडस्ट्री में कुछ ही मेल थे क्योंकि मेन राज जो कर रहे थे वो नरेश जी थे उसके बाद हितेन जी थे तो ये मुझे पता था ये दो के साथ ही किसी ना किसी के साथ होगा। हालांकि मैंने राजगुरु जी के साथ भी की रामानंद सागर जी के मैंने अविनाश के साथ भी मूवी की है बट वो थोड़ी टाइम के बाद जाते तो उस वक्त मुझे पता था ये नहीं तो ये ही है नहीं तो ये होंगे तो ये दो हीरो में से एक ही हीरो होंगे तो चलेगा। अच्छा ऑडियंस से कह दो रोमा माणिक ने बीजे ओळखाण ये कि गांधीनगर ना मेयर हितेश भाई मकवाणा एमना आ वाइफ छे એટલે આ એક અલગ ઇન્ટ્રોડક્શન છે રોમાણી આ થયું કેવી રીતે ये ना कभी कभी सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि एक रोमा मानी का टैग दूसरी तरफ एक मिसिस मेयर का टैग लगा हुआ है। ये कैसे करें ये भी एक समझे कि सोचा नहीं था क्योंकि सबको मालूम है ऊंची मीढ़ी के बाद में बीजेपी का काफी
प्रचार शुरू किया था एज ए आर्टिस्ट कलाकार मैंने, मतलब स्टिल अभी तक भी करती रही हूँ मैं, बीच में शायद 2-3 साल का गैप आया तो आई थिंक